Uh, dear first year student, you know that this is the continuation of chapter number 5, angular and circular motion. in today's lecture, we will discuss angular momentum, types of angular momentum, law of कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आज के इस चैप्टर में हम इंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम के अकसाम एंगुलर मोमेंटम और टार्क का आपस में रिलेशन और ला ऑफ कन्ज़रवेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे सो so, Come to angular momentum. What angular momentum is? Angular momentum is the quantity of rotational or angular motion in a body. The quantity of rotational motion or angular motion in a body is called angular momentum. Like you have studied in linear momentum. Linear momentum was the quantity of linear motion in a body. So, here angular momentum is the quantity of rotational motion in a body, or we can define as the product of rotational inertia, moment of inertia in angular velocity is called angular momentum. Like you have studied in linear momentum the product of mass and linear velocity was linear momentum now if it is the product of rotational inertia and angular velocity then it will be angular momentum so i am comparing linear motion with angular motion so the product of rotational inertia in angular velocity is called angular momentum अगर आप रोटेशनल मास को या रोटेशनल इनर्शिया को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एंगुलर विलासिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे जो क्वांटिटी आती है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगी आर ये भी हो सकता है द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द विक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन विक्टर लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम

मोमेंट ऑफ एनर्शिया को एंगुलर विलासिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम इससे एंगुलर मोमेंटम आती है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म लीनियर विलासिटी एट एन एंगल थीठा देखो ये एक पार्टिकल जो कर्सर है ये देखो पार्टिकल एम है और पार्टिकल एम जो है वो यू जा रही है लीनियर मोमेंटम उसकी क्या है पी है यू जा रही है क्या है यू जा रही है एट एन एंगल थीटा एट एन एंगल थीटा एट एन एंगल थीटा ये पी है ना सपोज आर बी द पोजिशन ये देखो आर क्या है पेवेट पॉइंट से लेकर मास तक का जो मास की जो पोजीशन है दैट इज आर दैट इज व्हाट वी कॉल आर इसको हम क्या कहते हैं आर पोजीशन वेक्टर कहते हैं सपोज आर बी द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्स इज एफ रोटेशन जो कि इस डायग्राम में आपको दिखा दिया गया है ए इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर दिस इज आर एंड पी इज नॉट द सेम इज नॉट द सेम दे आर नॉट एलॉन्ग द सेम लाइन वट वी डू आय दर रिजॉल्व पी इंटू इट्स कॉम्पोनेंट आर आर इंटू इट्स कॉम्पोनेंट चूंकि आर और पी का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है तो या तो आर को हम कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते हैं या पी को कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करते हैं आय दर वी रिजॉल्व आर इंटू इट्स कॉम्पोनेट आर पी इंटू इट्स कॉम्पोनेंट दोनों में से कोई भी कर सकते हैं अगेन आएम Emphasizing that learn vector by heart and mind. तो बहुत सी चीजें आपकी आसान हो जाएगी अब देखो हमने ये P है तो P को दो हिस्सों में डिवाइड किया ये P X हो जाएगा ये एक नीचे आ गया गलती से ये P X के साथ ये क्या हो जाएगा ये P X हो जाएगा दैट वॉज और ये वाला कॉम्पोनेंट P Y हो जाएगा क्या हो जाएगा P Y हो जाएगा तो आप देख रहे हैं कि आर और पी एक्स एलॉन्ग द सेम डायरेक्शन है तो इसमें लीनियर मोशन पैदा होगा कोई पी एक्स जो है कोई कर्विलीनियर मोशन या कोई एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन पैदा नहीं करेगा कौन सा कॉम्पोनेंट है जो रोटेशनल मोशन पैदा करता है पी वाई क्या है पी वाई अगर पी वाई को इधर कर लो तो ये देखो ये एम को यूरोटेट करेगा एम को क्या करेगा यूरोटेट करेगा तो इसके लिए आपने ये देखो सपोज पी वी लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल

द एंगुलर मोमेंटम बी एल एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट किया जाता है आर आर पी पी वाई वाई एन 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 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इज वेक्टर टू द प्लेन ऑफ आर एंड पी जिस तरह क्रास प्रोडक्ट में आपने पढ़ा हुआ है और राइट हैंड रूल से मालूम किया जाता है या अगर आप आर को रिजॉल्व करते हैं तो आर वाई पी हो जाएगा आर वाई पी और एन नॉर्मल वेक्टर तो पी वाई किसी के बराबर है पी थीटा के बराबर है तो आर पी साइन थीटा एन आ जाएगा आर पी थीटा, और आपने पढ़ा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट में कि ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन तो ए बी साइन थीटा एन की जगह आप ए क्रॉस बी भी लिख सकते हो इसी तरह आर पी साइन थीटा एन की जगह आप आर क्रॉस पी भी लिख सकते हो बाइ कन्वेंशन इट इज़ आर क्रॉस पी नॉट पी क्रॉस आर ताकि सारी दुनिया में जो डिफिनीशन वगैरह हैं वो एक जैसे हो अगर कोई कहे कि पी क्रास आर तो आपको पता है कि इससे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा <coughs> अगर कोई कहे आर क्रास पी तो कन्वेंशनली इसको आर क्रास पी ले लिया गया है जो कि एक डायरेक्शन देगा अगर पी क्रास आर हो तो उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा जिस तरह ए क्रास बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रास ए आपने पढ़ा हुआ है इनटिका मोटेटिव प्रॉपर्टी आपने क्रास प्रोडक्ट में पढ़ी हुई है सो so, इंगुलर मोमेंटम Is the cross product of position vector r and linear momentum p as we have defined. Now, l is equal to r p sine theta is the magnitude of angular momentum, and n unit vector is a unit vector perpendicular to the plane of r and p as we have studied in the cross product that the product vector must be perpendicular to the two multiplying vector. a cross b is equal to c, so c must be perpendicular to a, c must be perpendicular to b. In a similar fashion l is equal to r cross p, l must be perpendicular to r, l must be perpendicular to p, a clear holy bar. So the direction of n can be found by right hand rule as we have done in second chapter. So this is about the angular मोमेंटम कि इंगुलर मोमेंटम अब मैक्सिमम रिजल्ट कब मिलेगा इंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम एफ आर इज पर पेंडिकुलर टू पी अगर आर और पी के दरमियान एंगल 90 हैं तो इंगुलर मोमेंटम क्या होगा मैक्स होगा सो एल इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा साइन 90 दैट विल बी आर पी एंड यू नो दैट पी इज इक्वल टू एम वी लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी And also, you know that this V is equal to R omega, we have done before. So, M r square omega, M r square omega. So, M r square is equal to I omega, M r square is equal to I multiplied by omega, what we have defined above. Minimum result if R and P are either parallel or anti parallel, result will be minimum. Thus, angular momentum will be minimum. If the position vector R and P are directed either along the same direction or in opposite direction, or in opposite direction. So no angular momentum will be produced. So L is equal to R P sin 0, RP sin 180 is equal to 0. This is the magnitude. If someone tells you that if R is parallel to P, R um, R is N T parallel to P. What will be the angular momentum? Then your answer will be null vector because from cross product you get a product vector, also a vector quantity. But if someone says that r is parallel to p or anti-parallel to p, what will be the magnitude of angular momentum? Then your answer will be zero. Is I have discussed in detail in chapter number two. So that was the angular momentum of a particle. So that was a single particle was taken. Now, if you go to a rigid body, it will be like the same, but you know we have defined rigid body in the previous lecture. Consider, consider a rigid body composed of n particles of masses m one, m two, m three, m n at distances r one, r two, r three, r n respectively from the axis of rotation y, y dash as we have done above the body is rotating at a constant angular velocity as shown in figure 5.9 we have done uh, we have done that earlier we have done that earlier here for rigid body this was the rigid body so that is the rigid body so rigid body is composed of many particles m1 m2 m3 mn which are distance r1 r2 R3 R n from the axis of rotation and the whole body is rotating with angular velocity omega. Now the total angular momentum of a rigid body is the sum of angular momentum of all individual particle, i.e. that is L is equal to L1 plus L2 plus Ln. So L is equal to m1 r1 square l omega, m2 r2 square omega, mn Rn square omega, that omega is constant which is taken out and the sum of all these m i r i square which is equal to rotational inertia i or moment of inertia which we have defined in the previous lecture. That is the product of mass time square of the position of a particle from the axis of rotation. So, that is equal to omega i, where i is equal to summation i is equal to 1 to n m i r i square moment of inertia of a rigid body. If different particles are moving with different velocities, like planets are moving uh, at different velocities from the sun. सो दैन देट विल बी एम वन आर वन स्क्वायेयर ओमेगा वन एम टू आर टू स्क्वायेर ओमेगा टू एम एन आर एन स्क्र ओमेगा मेरा मतलब ये था कि जब भी आपके पास रिजिड बॉडी होती हैं तो आपने हर एक का इंडिविजुअल इंगुलर मोमेंटम निकालना है और फिर इसको सम अप करना है और सम अप के बाद वो टोटल इंगुलर मोमेंटम आपा रिजड बॉडी देगा अब अगर ये रिजड बॉडी एक एक ही बॉडी है तो वो कांस्टेंट इंगुलर वेलोसिटी से फर्श करें रोटेट कर रही है तो ओमेगा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा लेकिन ये ज़रूरी बात नहीं कि है हर वक्त ओमेगा कांस्टेंट हो सन से देखो डिफरेंट प्लानट डिफरेंट डिस्टेंसेस पे हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी डिफरेंट है आर भी डिफरेंट है तो आप बेशक एम वन आर वन स्क्वायोयर ओमेगा वन प्लस एम टू आर टू स्क्वायेयर ओम टू प्लस एम थ्री आर थ्री स्क्वायर ओम थ्री प्लस एम एन आर इन ओमेगा फिर ये ओमेगा जो है ये समिशन साइन से बाहर नहीं आएगा और इधर आएगा ओमेगा आई हो जाएगा इसके साथ साथ ओमेगा एम आई आर आई स्क्वायर हो जाएगा सो so, यही बात इसमें और कुछ अब जनाब आते हैं इस आई यूनिट ऑफ इंगुलर मोमेंटम द इस आई यूनिट ऑफ इंगुलर मोमेंटम इज के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस वन विच इज जोल इन टू सेकेंड जोल इन टू सेकेंड जोल इन टू सेकेंड are dimensions that will be ml square t power minus 1 dimension of angular momentum will be ml square t power minus for, for mass in kilogram dimension is capital m for length meter that is l square and for time inverse that is t inverse so that is about the in. now come to the types of एंगुलर मोमेंटम के एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स क्या हैं नंबर वन आर्बिटल मोशन आर्बिटल मोशन क्या होती है द मोशन ऑफ अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट अराउंड अ बिगर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आर्बिटल मोशन अगर कोई छोटी बॉडी बड़े बॉडी के गिर्द रिवॉल्व करती है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट देन इट इज कॉल्ड आर्बिटल Motion, orbital angular motion, orbital angular momentum, orbital angular momentum. The momentum possessed by a body orbiting around another body is called orbital motion. For example, Earth is revolving around the Sun, Moon is revolving around the Earth. So, that angular momentum is called orbital angular momentum. And the other is spin angular momentum, spin angular momentum, the other is spin angular momentum. If anybody is rotating about its own axis, if anybody is rotating about its own axis, then it is called spin angular momentum. Like you are dancing, you are rotating. That is called a spin to pick top. That is what we call spin motion.

एंगुलर मोमेंटम कहते हैं टिपिक टॉप है अबाउट इट्स ओन एक्सेस जो है डांस आप कर रहे हैं दोनों की अपने अपने फायदे हैं स्पिन मोशन जो है वो स्टेबिलिटी देती है बॉडी को बंदूक से गोली जब निकलती है तो वो स्ट्रेट नहीं जाती बल्कि स्पेनिंग करती हुई एयर को बोर करती हुई जाती है ताकि वो अपने टारगेट को सही हिट कर सके टारगेट को सही मारे सो so, दोनों मोशंस की वजह से मुख्तलिफ़ के फायदे हैं जिस तरह अर्थ जो है आर्बिटल मोशन करती है तो उससे आपके क्या आते हैं मौसम तब्दील होते हैं कभी हिजा कभी बहार कभी क्या और अर्थ स्पिन मोशन करती हैं जिसकी वजह से दिन और रात आते हैं सो स्पिन एंड आर्बिटल मोशन गिव्स यू डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दब्जेक्ट लाइक अर्थ इज़ orbiting around the sun which bring about the changes in weather earth is spinning about its own axis causing day and night and many more in a similar fashion electron is orbiting around the nucleus and spinning about its own axis which gives different information about the atom so, angular momentum is the cross product of position vector r and linear momentum p. It is of two types: orbital angular mo motion. If a body is rotating in around another body, then there is all orbital angular mo momentum. Second is spin angular momentum. Spin angular mo momentum when a body is rotating about its own axis about its own axis that is called spin angular momentum. Now come to fix a relation between angular momentum and torque. If you remember in linear motion we have studied that linear force was time rate of change of linear momentum हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर फोर्स जो है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है similarly torque is the time rate of change of angular मोमेंटम लीनियर पे आया फिर एंगुलर पे, वो लीनियर कल सिर्फ एंगुलर से रिप्लेस कर दिया इसके लिए कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज रोटेटिंग इन हरीजेंटल सर्कल ऑफ रेडियस आर अबाउट वाई एक्सेस, अबाउट वाई एक्सेस कोई पार्टिकल है, हरीजेंटल एक्सेस पे रोटेट करती हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर हरीजेंटली रोटेट करती हैं

और एल टू जो है वो आर पी टू के बराबर हैं तो चेंज इन इंगुलर मोमेंटम द चेंज इन इंगुलर मोमेंटम इज एल टू माइनस एल वन विच इज आर पी टू माइनस आर पी वन टेकिंग आर कामन आर को कामन ले लिया तो पी टू माइनस पी वन पी टू माइनस पी वन इज डेल्टा पी सो डेल्टा एल आर डेल्टा पी आर डेल्टा पी डिवाइड बोथ साइड बाई डेल्टा टी Delta L divided by Delta T and R Delta P by Delta T is Delta P by Delta T is equal to F. We have done before, and I have defined in this lecture in the be, in the beginning, in the start of the topic. So Delta P by Delta T is equal to F. So here, Delta P by Delta T is equal to F. You see, Delta L by Delta T is equal to आर एफ तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी आर एफ के बराबर आ गया अब आर टाइम एफ इज टार्क आर टाइम एफ इज टार्क सो एज आर एफ इज इक्वल टू ठा हेंस ठा विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी लाइक यू हैव डन इन लीनियर मोशन दैट डेल्टा पी बाई डेल्टा वी टी वॉज लीनियर फोर्स इन सिमिलर फैशन डेल्टा एल बाई डेल्टा टी रोटेशनल फोर्स विच वी कॉल टार्क आर मूमेंट ऑफ फोर्स टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं वी हैव स्टडीड दैट इन चैप्टर टू इफ यू रिमेंबर सो दस टाइम रेट ऑफ चेंज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रोटेशनल फोर्स आर टार्क आर मोमेंट ऑफ फोर्स बिल्कुल लीनियर मोशन को देखते जाओ और उसके साथ एनालोजी में आप आते जाओ तो आप देखते जाओगे कि ये जो है yeah. सिर्फ आपने लीनियर लफ्स को एंगुलर से रिप्लेस करना है तो आप रोटेशनल मोशन पे या एंगुलर मोशन पे आते जाओगे अब चंद देखिए एमसीक्यूज देखो द एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ एनर्शिया आर रिलेटेड डायरेक्टली द एंगुलर वेलोसिटी एंड मोमेंट ऑफ एनर्शिया आर डायरेक्टली रिलेटेड इनवर्सली रिलेटेड आर इंडिपेंडेंट नन हमने क्या था? अभी जो हमने ऊपर किया कि एल इज़ इक्ल टू ओमेगा आई अब देखो एल इज इक्वल टू ओमेगा आई ये देखो तो अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है ओमेगा इज इक्वल टू एल बाई आई इफ द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट तो ओमेगा इज एन वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई और ये चीज़ें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका था कि क्यों पंखे का ज़्यादा मास करीब होता है करीब इसलिए होता है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन जितनी एक्सेज ऑफ रोटेशन के करीब होगी तो इंगुलर विलास्टी उसकी उतनी ही ज़्यादा होगी जिस तरह मैंने कहा कि एक बंदा है टर्न टेबल पर रोटेट कर रहा है और उसके हाथ पेले हुए हैं तो वो स्लोली रोटेट करेगा लेकिन अगर वो हाथ को यू एलॉन्ग द बॉडी लाएँ तो आर कम हो जाएगा और आर कम हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ़ इनर्शिया कम हो जाएगी इंगुलर विलास्टी क्या हो जाएगी ज़्यादा हो जाएगी फिर मैंने डिस्क और हालो हूप वाली मिसाली भी दी थी कि क्यों So, a 500 gram particle is rotating in a circle of radius 5 centimeter with angular speed of 10 radian per second. The angular momentum of the particle is L is equal to m r square omega. Mass is given to you uh, 500 that is 0.5 and uh, 5 centimeter that is 0 0.05 meter and 100. You multiply them together whatsoever you get from it here you didn't find any answer so the answer will be none the answer will be none solve it whatever you get if you put over here that answer that d will be option of you. Sara formula of the angular momentum next the angular momentum of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter changes from 10 joules to 20 joules second 5 second द टार्क एक्टिंग आन इट इज़ एंगुलर मोमेंटम किसी दाय पार्टिकल का जो दायरे में घूम रहे हैं रेडियस उसका टेन सेंटीमीटर है वो चेंज करता है टेन जोल सेकेंड से ट्वेंटी जोल सेकेंड तक पाँच सेकेंड में तो टार्क उस पर कितना अमल कर रहे हैं अभी आपने किया कि टार्क इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम तो ये देखो ट्वेंटी जोल सेकेंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम है टेन जोल पर सेकेंड जो है इनिशियल है तो ट्वेंटी माइनस टेन और टाइम पर डिवाइड कर लो इससे आपके पास आ जाएगा टू न्यूटन मीटर आ जाएगा क्या जागा? आ जाएगा टू न्यूटन मीटर आ जाएगा नाउ वी कम टू वट ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंगुलर मोमेंटम ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंगुलर मोमेंटम वट अ ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंगुलर मोमेंटम लाइक यू हैव डन फॉर लीनियर द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट प्रोवाइडेड दैट the sum of linear forces acting on it is zero or the system is no not acted by any linear force the so whole linear law of conservation of linear momentum T. Now, angular momentum the angular momentum of an isolated system in absence of external torques is always constant if no torques acts on isolated system.

तो आइसोलेटेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा कांस्टेंट uh, रहेगा यानी अगर सौ पार्टिकल है किसी सिस्टम में तो वो आपस में टकराएंगे टार्क जो है उस पर डिफरेंट टार्क की मिकदार चेंज होती जाएगी लेकिन जब करोगे तो वो टोटल क्या होगा सॉरी एंगुलर मोमेंटम की मिकदार चेंज होती जाएगी लेकिन एक की एंगुलर मोमेंटम जितनी कम होती है दूसरी की उतनी ही ज्यादा होती है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है कांस्टेंट रहता है इसका यह मतलब है आ जाओ इसके एक्सप्लेनेशन पे अभी हमें पता हमें अभी क्या कि जो टार्क है किसी बॉडी पे जो अमल कर रहा है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी द टार्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डेल्टा एल बाई डेल्टा टी वी हैव सेड दैट इन द कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम द टार्क मस्ट बी ज़ीरो ऑन बॉडी सो इफ टार्क इज ज़ीरो जीरो देन वी पुट हेयर जीरो

अगर एल वन फाइव है और एल टू फाइव है तो फाइव माइनस फाइव क्या आते हैं जीरो आता है जब डेल्टा एल ज़ीरो होगा तो वो दूसरी क्वांटिटी क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी जिस तरह बुक की कीमत हंड्रेड रुपीज़ है कल भी हंड्रेड है तो हंड्रेड माइनस हंड्रेड क्या आएगा जीरो आएगा तो उसकी कीमत जीरो तो नहीं थी बुक की हंड्रेड है लेकिन वो कांस्टेंट है चेंज उसमें नहीं है तो इसको हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ रोटेशनल फोसेज आर टार्क इज जीरो इज ज़ीरोनि बाडी पर टार्क अमल नहीं कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जीरो होगा नाउ कम टू फ्यू एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंगुलर मोमेंटम देखो डाइवर्स जो हैं जो कि क्या करते हैं स्प्रिंग बोर्ड से जंप लगाते हैं पांड में स्विमिंग पूल में डाइविंग करते हैं डाइविंग का मतलब है कि वो रोटेशन ये देखो इन द बिगेनिंग आई इज ग्रेटर वेन ही इज स्ट्रेट वेन ही इज स्ट्रेट इन द बिगेनिंग आई इज ग्रेटर तो ओमेगा विल बी स्मॉलर ओमेगा विल बी स्मॉलर जो जो ऊपर जाते हैं वो अपने आप को टेल्ट करता है डाइवर क्या करते हैं टेल्ट करता है अपने आप को यू ये देखो टेल्टिंग करता है अपने आप पहले यू था तो करिए रोटेशन है अगर यू फर्श करता है तो ये ये रोटेशन होंगे देखो तो मास दूर दूर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्यादा है ओमेगा कम होगी ऊपर जाता है अपने आप को टेल्ट करता है तो आर कम होता जाता है आर मास तो वही है कम होता जाता है जब आर कम होता जाता है तो आई जो है उसमें क्या आती है कमी आती है तो ओमेगा बढ़ती जा रही है क्या होती जा रही है ओमेगा बढ़ती जा रही है बट ये देखो आई तो कम हो गई लेकिन ओमेगा ज्यादा हो गई तो प्रोडक्ट फिर भी सेम आएगा जब सीधा था तो ओमेगा कम थी आई ज्यादा थी तो दोनों का प्रोडक्ट जो था फर्ज करे ट्वेंटी आया अब जब टिल्ट कर गया तो आई कम हो गई ओमेगा ज्यादा हो गई कम आई और ज्यादा ओमेगा फिर भी ट्वेंटी देगा आपको इसका यह मतलब है तो इसको ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सो तो, जब देखो द डाइवर्स आफ्टर जम्प हिज बॉडी टू मिनिमाइज द मोमेंट ऑफ एनर्शिया द डिक्रीज इन एनर्शिया रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंगुलर स्पीड द डाइवर विल टेक द मोस्ट सोमर साल सोमर साल का मतलब कलाबाजिया जिसको कहते हैं जितना ज्यादा कलाबाजिया लेगा तो वो गोल्ड मेडल का हकदार करा है। अब देखो अभी आप आपने क्या ओमेगा इज इक्वल टू तो एल वाई आई एल इज कांस्टेंट Omega, MR square, तो Omega जो है वो प्रोपोर्शनल टू आई है इनिशियल इन द इनिशियल बता रहे हैं इसमें मोमेंट ऑफ एनर्शिया ज्यादा है तो इंगुलर स्पीड क्या है कम है और दरमियान में जो है तो कम का, का, है मिडिल स्टेज मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इज मैनिम

और ओमेगा में चेंज आता है लेकिन प्रोडक्ट में चेंज नहीं आता ये मतलब हुआ अब दूसरी बात अ पर्सन रोटेटिंग ऑन अ टर्न टेबल ये देखो टर्न टेबल है ये टर्न टेबल है इस पे हाथ पेले हुए हैं उसके तो अब इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी एंगुलर मोमेंटम सॉरी एंगुलर विलासिटी क्या होगी वो कम होगी तो एल वन पहले स्टेज में द एंगुलर मोमेंटम अगर, अगर, अगर देख, देख, देखो अ पर्सन

देखो ये एलंग द बॉडी लाया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया इज डिक्रीज इज मास इज नाउ क्लोजर टू द एक्सेज ये देखो ये एक्सेज ऑफ रोटेशन है ये देखो तो ये क्लोज हो गया मास सारा अब मूवमेंट ऑफ एनर्शिया डिक्रीज होगी ड्यू टू डिक्रीज इन एनर्शिया स्पीड इज इनक्रीज टू ओमेगा टू सो दू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम विच नाउ विल बी एल टू इज इक्वल टू आई टू ओमेगा टू सो इन बोथ केसेज You see that I know I1 was greater, omega 1 was smaller, I know I2 is smaller, omega 2 is greater, omega 2 is greater. But the product I1 omega 1 must be equal to the product I2 omega 2. So, that is equal to L1 is equal to L2. इज़ इक्वल टू आई वन ओमेगा वन आई टू ओमेगा टू ये हो गया बात सिंपल ये है कि प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं और प्रोडक्ट कांस्टेंट आता जाता है सो देखो इसका एमसीक्यूज़ देखो अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग टेबल विद हिज हैंड आउटस्ट्रिच हिज इंगर स्पीड ओमेगा ही सडनली लोअर्स हैंड ए लांग बॉडी द इंगुलर स्पीड वेल द इंगुलर स्पीड वेल सॉरी द इंगर मोमेंटम वेल द इंगुलर मोमेंटम वेल अब इंगुलर मोमेंटम की बात हो रही तो आपके constant. Constant है तो आपका जवाब क्या होगा रिमेन कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा क्या रहेगा कांस्टेंट अगर इंगुलर स्पीड होता तो वो इंक्रीज करती याद रखना अगर इंगुलर स्पीड होता तो वो इंक्रीज करती लेकिन यहां पर बात इंगुलर मोमेंटम की है जो कि आई ओमेगा का प्रोडक्ट है वो कॉन्सटेंट रहेगा जो ऊपर हमने एग्जाम्पल की है देखो ये वाली एग्जाम्पल जो हमने की है अच्छा जी Which one of the following remains constant during, during planetary motion? Linear momentum? No, because velocity is changing. Angular momentum? Yes, yes, i omega. Velocity? No, it is changing. Centripetal acceleration? No, it is changing because it is changing its direction every time at every instant. So, they are not constant. Angular momentum is constant. A 100 gram stone. ड्रेड ग्राम स्टोन तरसी के साथ बांधा गया है जिसकी लंबाई टू हंड्रेड सेंटीमीटर है और इंगुलर स्पीड हंड्रेड इन पर सेकेंड इंगुलर मोमेंटम उसकी क्या है तो इंगुलर मोमेंटम का आपको पता है कि एल इज इक्वल टू एम आर स्क्र ओमेगा एम कीमत डालो आर की कीमत की की और बॉडी की बॉडी की वो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी के बराबर है तो उसमें कोई भी नहीं है ये एल बाई टू एम एल स्कू एम एल बाई टू एम स्क्र है तो उसमें कोई भी नहीं है तो ऑप्शन तो क्या होगा नन होगा अब हम आते हैं the, इंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम टिल योर इन फाइव सेकेंड द नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज तो नेट टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा आपके पास ये देखो टा डेल एल बाई डेल्टा टी है तो ट्वेंटी माइनस टेन बाई फाइव तो उससे क्या आ जाएगा टू न्यूटन मीटर आ जाएगा टू न्यूटन मीटर आ जाएगा सो इन टूडेज लेक्चर वी हैव कवर्ड नो इंगुलर मोमेंटम what an angular momentum is angular momentum is a quantity of rotational motion in a body or it is the cross product of position vector r and linear momentum p r it is the product of rotational mass multiplied by angular velocity it is expressed in the unit of joule second Angular momentum is of two types orbital angular motion, orbital angular momentum. If a body is moving around another body, then the angular momentum possessed by that body is called angular momentum. Spin angular momentum, if a body is spinning about its own axis, then it is called spin angular momentum. Then we have length torque to Angular momentum, and torque was the time uh, was the time rate of change of angular momentum. And then law of conservation of angular momentum: the angular momentum of an isolated system is constant, provided that no rotational forces acts upon it. Per rotational forces So, so that was the. End of that chapter. Be happy and let other people happy. Take care of your parents. Take care of your parents and then family and then neighbors and then extend if you want to be happy in life. And that is what the pleasure you will feel if you are following my advices. Thank you very much. God bless you all.